जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है जो सब्जेक्ट देख रहे थे उसका नाम क्या था? तो है एनसीईआरटी का क्लास 12। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इसको क्या करिएगा, तो सब्सक्राइब करिएगा और आप जितना हो सके इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज के अपने क्लास पर। ठीक है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि हम लोग का जो क्लास तो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि उसका जो पतन है सिंधु घाटी सभ्यता का, उस पतन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हम लोग उसके आगे के टॉपिक जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ का जो है यहाँ पर दिया हुआ था सभ्यता का अंत, तो सभ्यता का अंत तो हम लोगों ने पढ़ करके कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज। यानी ये हम लोग को देखेंगे आखिर जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और कैसे किसी भी सभ्यताओं की खोज की जाती है। ठीक है, तो इन बातों को भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें बता दो, देखिए जो ये लेबल दिया है ना, ये जो एक तरह से जो लेबल हो गया इस चैप्टर का, अब यहाँ से जो लेबल है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 का जो है जो बुक दिया है बहुत जो है डीपली दे दिया है। ठीक है ना, तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वरना अगर आपको इसके आगे अगर पूरा क्लास कंप्लीट करना हो तो बस आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर क्लास 12 के अगर स्टूडेंट है तो भाई आपको तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस की, तो आपको देखना पड़ेगा। बाकी और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्किप कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है रिसर्च का टॉपिक कुछ दिया हुआ है। तो देखते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज को। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार जो हमारे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वों ने सभ्यता की खोज की। देखिए इसके पहले हम लोग ने जो जो देखा है, तो क्या देखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि बहुत सारी चीजें रही हैं। तो कैसे पता चला है हम लोगों को, तो बहुत सारी जो चीजों का जो हम लोगों ने अध्ययन किया है तो कहीं ना कहीं जो है जो भौतिक जो साक्ष्य मिले हैं, जो भौतिक अवशेष मिले हैं इस सभ्यता से, जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से, तो उन्हीं चीजों के आधार पर हम लोग जो इतिहास को अब तक यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ पाए हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग और देखेंगे कि आखिर जो है और क्या क्या पहलू है। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में शताब्दियों बाद, यानी मतलब बहुत दिन बाद, ठीक है ना, 7 शताब्दी मतलब क्या समझिएगा, बहुत दिनों बाद रहना आरंभ किया, तब तो भी यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती के सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब बता रहा है कि पहले बात समझिए, ये जो है एक बात पहले मैं बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पढ़ना कंपलसरी है, पढ़िए। लेकिन अगर आपको जो सिर्फ हिस्ट्री जीएस के लिए पढ़ना है तो मत पढ़िए। ठीक है ना, तो एक बात समझिएगा यहाँ पर, मतलब बैकग्राउंड दिया, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पहली बात तो क्या हुआ कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अपने आप में जो भाई एक अच्छी सभ्यता मानी जाती है, विकसित सभ्यता मानी जाती है। लेकिन जब इसका जो है जब मतलब इसका खात्मा हो गया, खत्म हो गई, ठीक है, और खत्म होने के जो है बहुत समय बाद जब लोगों को वहां के कुछ अवशेष मिले, ठीक है ना, जैसे कि एक ऐसे ही एक ऐसे जो मतलब एक व्यक्ति जिसे शायद कनिंघम के बारे में दिया हुआ है, तो देखिए ऐसे मतलब था कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है उस वाले स्थल पर खुदाई कर रहा है तो जो कुछ वस्तुएं मिल रही है उसे क्या कर रहा है, सोच रहा है, कह रहा है खजाना मिल रहा है, खजाना मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी थी, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यहाँ पर सच में एक सभ्यता कभी बिलोंग करती होगी उस जगह पर। समझ रहे हैं ना आप, बात ही समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कनिंगम के बारे में दिया, कुछ खोज कैसे हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर
जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया। कौन आरंभ करता है? तो जनरल कनिंघम उस समय जो है ब्रेन का राज हुआ करता था हमारे देश में, लगभग 1900 की जो है कुछ की बात है, ठीक है ना, 1903 या 1904 होगा, ठीक है। पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातात्विद को अपने जो है अन्वेषण यानी रिसर्चों के जो है मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, ठीक है। यानी जो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक जो है उत्खनन उन्होंने जब आरंभ किया, तब पुरातात्विक जो थे वो क्या करते थे, अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों यानी साहित्यिक अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यानी देखिए, जब ये पहले डायरेक्टर बने कौन, जनरल कनिंघम, जब ये पहले डायरेक्टर बने पुरातात्विक खोज की, पुरातात्विक अन्वेषण की, तो इस समय तक कुछ लोग क्या मानते थे कि जो है जो साहित्यिक साक्ष्य है वही ही क्या है, तो वैलिड साक्ष्य है। बात समझ में आ रही है आपको? जो साहित्यिक साक्ष्य क्या है वो तो वैलिड साक्ष्य है, ठीक है ना। मतलब जो लिखित रूप में मिली है उसी को ही हम लोग क्या करेंगे, तो सही मानेंगे। बात यहाँ पर कुछ इस टाइप की है, ठीक है। यहाँ तक कि करिंगम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी इनकी रुचि कब थी? लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी तक। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब इनकी क्या थी, इनकी रुचि कब थी, कब थी? यानी जो है 6ठी शताब्दी यानी मतलब 620 ही, ठीक है ना। मतलब क्योंकि सिंधु, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कब की है, तो 3500 BC पहले की है, सॉरी वहां से जो है आपको मिलेगा 1500 BC, मतलब आज से 3500 साल पहले। तो कहीं ना कहीं इनका मानना क्या था कि 600 BC पहले, और यहाँ पर जो इनको 400 जो एड वाली बात है, 34 चौथी शताब्दी तक जो है वही इनको जो है थोड़ा सा ढूंढने में इनको अच्छा लगता था, ठीक है। तथा उसके बाद के कालों के संबंध में, ठीक है ना, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4थी से 7वीं शताब्दी ईसा के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। अब मतलब कैसे अध्ययन करने हैं, ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा। टिपिकल है यहाँ से हिस्ट्री, लेकिन टिपिकल इसको नहीं बनाना है, समझिए मेरी व्यवहारिक रूप समझिए। आपको पता है कि बहुत सारे जो यात्री थे भारत आए थे घूमने के लिए, और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी है। यात्रा वृत्तांत मतलब सिंपल सी, भाई जो भारत में यात्रा करने आए हैं तो उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप समझिए कि आज के जमाने में जो है आप जाते हैं, मान लीजिए आपको जाना पड़े अब ब्रिटेन के किसी म्यूजियम में, तो आप क्या करेंगे, अपना फोन लेकर जाएंगे, कैमरा लेकर जाएंगे, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो फोटोज हैं, ठीक है, उसे आप सहेजेंगे, उसको जो है संरक्षित करके रख लेंगे, चलेंगे तो अपने गांव दिखाएंगे, अपने पास रखेंगे। लेकिन कल्पना करिए कि उस समय जब कैमरे नहीं होते थे तो लोग कैसे यूज करते थे, तो कुछ लोग तो फिगर बनाते थे, और कुछ लोग को डायरी लिखने का जो है शौक हुआ करता था, उसी को जो क्या है, तो वही यात्रा वृत्तांत है। तो लोग जब भारत आए तो यहाँ से क्या किए, यहाँ की कहानियों को लिखे हैं, इसमें हर चीजों को वो लोग उल्लेख किए हैं जो जो इनको मिला है। तो फिर जब उनको पढ़ने पर समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट उस समय करती थी, क्योंकि ये लोग तो सही में आए थे, ये गलत नहीं है, ठीक है ना, ये प्रूवन है। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। अब देखिए जो जो जनरल जो कनिंघम है, जो डायरेक्टर है, ठीक है, किसके, पुरातात्विक अन्वेषण के, जो आर्कियोलॉजिस्ट वाला जो होता है, मतलब जहाँ पर खोज उज किया जाता है, ठीक है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है आज की जो बनी हुई है, इसी का स्टार्टिंग फेज रहा। तो देखिए जो कनिंघम की यहाँ पर विचारधारा बता रही है, लेकिन समझिए कि कोई भी संस्था हो, कोई भी जो हो, अगर उसका अध्यक्ष जो है जिस मानसिकता का होगा तो उसका स्वरूप भी उसी मानसिकता का होना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है ना। तो जनरल कनिंघम है वो किस मानसिकता के हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सांस्कृतिक महत्व के, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको लिखित चीजें ज्यादा पसंद है, ठीक है। ये पुरातात्विक में कम विश्वास रखते हैं, किस में विश्वास रखते हैं, तो सांस्कृतिक चीजों में, यानी जो लिखी गई, यानी इनको साक्ष्यों पर भरोसा है, ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्यों पर नहीं, साहित्यिक साक्ष्यों पर। हड़प्पा जैसी पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम का अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त तो नहीं बैठता था। अब कहीं ना कहीं जो कनिंघम है ना, ये नहीं मान सकते थे, इनको मतलब विश्वास नहीं था कि क्या सच में भारत में ऐसी कोई जो है यहाँ पर आपको देख, मतलब जो कोई ऐसी सभ्यता होगी जहाँ प्रथम नगरीकरण भी माना जाएगा, तो इनको विश्वास नहीं था उस समय तक। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है, तो 19वीं शताब्दी के बाद हुई है, ठीक है ना, तब हम लोग आज इतिहास पढ़ रहे हैं,
अपनी सभ्यता का, ये हमारी सभ्यता है। तो इनको जो है, क्योंकि भाई देखिए डायरेक्टर यही थे, इन्हीं के दिशा निर्देश पर क्या होना था, तो पूरा का पूरा खोज होना था, अन्वेषण होना था। लेकिन इन्हीं का जो मन है किसमें है, इनका मन है साहित्यिक चीजों में। तो जाहिर सी बात है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में साहित्यिक का तो महत्व ही नहीं है, सारी बातें क्या है पुरातात्विक है। तो इनको महत्व, उनको अच्छा नहीं लगता था पुरातात्विक चीजों में, इनको लिखित मात्र में ही इनको विश्वास था। इसलिए हालांकि हड़पाई पुरावस्तु में 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। देखिए बात यहाँ पर क्या हो रही है कि जो जनरल कनिंघम में भाई डायरेक्टर थे किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मान सकते हैं, ठीक है ना, यानी जो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण के जो क्या थे, जनरल थे, समझ रहे हैं, बहुत बड़े जो है मतलब हेड थे, ठीक है, क्या थे वहां के, तो मतलब मालिक थे, समझिए मेरी बात को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बहुत हाईली कंसेप्ट है, आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन समझ लेंगे तो आपको आने वाले, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ें, हिस्ट्री के बारे में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्लास 12th में है, तो अब भाई आपके लिए अच्छी बात है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे, तो ये बार बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जनरल कनिंगम है, इनके पास जो है जैसे तैसे किसी भी तरह जो है यहाँ पर कुछ वस्तुएं पहुंची भी थी, लेकिन पहुंचने के बावजूद भी क्या हुआ, इनको विश्वास नहीं हो पाए, और इनसे मानने से मतलब ये समझ नहीं पाए कि भाई क्या बात है। एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मुहर दी, देखिए यही हड़प्पाई मुहर है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा है तब जान जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर है। एक अंग्रेज ने क्या किया, तो कनिंगम को एक हड़प्पाई मुहर दी, उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों को जो है इसी तरह की, उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ जो है गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था, ठीक है, उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। देखिए यहीं पर क्या होता है कि ये चूक जाते हैं, इसे खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए जब तक सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा नहीं गया था, तब तक क्या माना जाता था कि जो गंगा है, गंगा तो जो गंगा में जो जो वहां से जो सभ्यता उत्पन्न हुई है, जो गंगा वाला जो क्षेत्र है, तो उसी को जो ये लोग क्या मानते थे, तो सभ्यता मानते थे कि यही भारत की प्राचीन सभ्यता है, इसके पहले कोई सभ्यता वभ्यता यहाँ नहीं थी, यहाँ के पहले पहले से ही क्या थे, असभ्य थे, ये लोग सही नहीं थे, ठीक है ना। तो यहाँ से बात अपनी समझ लिया जनरल कनिंघम के बारे में, तो ये बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट है, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर समझिएगा, ठीक है ना। तो कल से हम लोग देखेंगे एक नवीन प्राचीन सभ्यता अगले वीडियो में, ठीक है।